नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पटेल रिज्यूनेट लाइफ टू स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अंक में हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, शहरों में, गांव में, ओल्ड एज में, यंग एज में, लेडीज़ और जेंट्स में, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इन सब में क्या क्या डिफरेंस रहता है, मतलब किसको ज़्यादा होता है, किसको कम होता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या प्रकार होते हैं ये भी हमने जाना। और आज के एपिसोड में हम इससे भी आगे जानकारी लेंगे और उसके लिए फिर से एक बार चलो आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रतन राठौड़ को। सर, फिर से एक बार आपको वेलकम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सर, ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है, किस तरह से हमें अंदाजा आ सकता है कि इसके इस इंसान को या हमें हाई ब्लड प्रेशर है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। 100 में से 30 लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा। और जब उसे परेशानी नहीं होती है तो पेशेंट डॉक्टर के पास भी नहीं आता है। ओके। तो जिन मरीजों को तकलीफ होती है वो डॉक्टर के पास आता है, उसका इलाज करता है। ओके। तो तकलीफ होना ये अच्छी बात है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। ओके। 40% लोग ऐसे है, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं ब्लड प्रेशर के जो दवाई ही नहीं लेते हैं। अब इनमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट में तकलीफ क्या होती है? तो तकलीफ जिन्हें होती है, मैंने कहा 30% में तो होती नहीं है, तो बाकी लोगों को क्या तकलीफ होती है? तो उसमें सर दर्द हो सकता है। अच्छा। सर दर्द सामने होगा या पीछे होगा, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। अच्छा। चक्कर आ सकती है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, चलने में सांस फूल सकती है। अच्छा। अगर आपका पाइल्स है तो वो उसकी ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा। नाक में से खून की छोटी नली बर्स्ट हो सकती है, फूट सकती है, तो नाक में से खून निकल सकता है। ओके। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन की अगर नस फट गई तो आपको लकवा मार सकता है, या ब्लॉक हो जाए ब्रेन की नस में, खून की ब्लॉक हो जावे तो पैरालिसिस हो सकता है। अच्छा। कभी कभी ट्रांजिएंट पैरालिसिस होता है, थोड़े समय के लिए होता है पैरालिसिस, फिर नॉर्मल हो जाता है। किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है, अचानक आंखों की रोशनी जा सकती है, आदमी अंधा हो सकता है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लक्षण है। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है तो ये तो लक्षण है। हाँ जी, ऐसे बोल रहे हो, पर वो एकदम से हो जाते हैं ब्लड प्रेशर के? जैसे कोई पेशेंट जो है, हर पेशेंट का लिमिट अलग अलग होती है। ओके। जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर, ये हुआ हाई ब्लड प्रेशर। एक पेशेंट होगा जिसका ब्लड प्रेशर 140 से 145 भी हुआ तो पेशेंट को तकलीफ होगी। अच्छा। वो कहेगा मुझे सरदर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है। और एक पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर 200 है, 250 है, फिर भी तकलीफ नहीं होती है। अच्छा। ये भी होता है। तो आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरे को सरदर्द थोड़ा है तो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर सरदर्द, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है क्योंकि मेरा सरदर्द कम है, ऐसे नहीं होता है। अच्छा। तो किसी भी ब्लड प्रेशर के कितने बढ़ने पर कितना तकलीफ होगा ये आप जज नहीं कर सकते हो। राइट। किसी को ब्लड प्रेशर थोड़े पे तकलीफ होती है, किसी को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहने के बाद में भी तकलीफ नहीं होती है। राइट। तो हर एक आदमी का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। सर, ये हाई ब्लड प्रेशर का अगर इलाज न किया जाए तो क्या हो सकता है? अब देखिए, पहली बात कि ये बीमारी ऐसी है जो दवाई से आप नॉर्मल बन सकते हो। ओके। और अगर आपने दवाई नहीं ली, इलाज नहीं कराया और आपका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट हमेशा ज्यादा है, तो ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति 10 साल तक दवाई नहीं लेता है और इसका ब्लड प्रेशर 10 साल तक ज्यादा है तो 30% से ज्यादा लोग, माना 100 में से 30 लोगों में
खून की नलियों में रुकावट आ जाती है। अच्छा। एक और 50% से ज्यादा लोगों में, 100 में से 50 से ज्यादा लोगों में एंड ऑर्गन डैमेज होता है, माना डैमेज हो गई, किडनी डैमेज हो गई, माना किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, आंख में ब्लाइंडनेस आ जाएगा, ब्रेन की पैरालिसिस हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंड ऑर्गन डैमेज, माना ये डैमेज होने के बाद आप उसको नॉर्मल नहीं कर सकते हो। तो 30% से ज्यादा लोगों में खून की नलियों में रुकावट हो जाएगी। ओके। अब वो खून की नलियां अलग अलग जगह पे होगी, ब्रेन में होगी, हार्ट में होगी, किडनी में होगी, पांव में होगी, राइट, आंखों में होगी, और 50% से ज्यादा लोगों में एंड स्टेज आ जाएगी। अच्छा। किडनी फेल हो जाएगी, आप डायलिसिस पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? समझ। हार्ट डैमेज हो जाएगा, ब्रेन का पैरालिसिस हो जाएगा। तो जो चीज हम दवाई लेकर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर हम कितना कॉम्प्लिकेशन क्यों इनवाइट करना चाहते हैं? सही है, सही है। उससे अच्छा है कि भाई आप दिन की एक या दो गोली खा लो और आप अपने आप को नॉर्मल बना लो। सर, ये ब्लड प्रेशर जो है वो किन लोगों में ज्यादा बढ़ सकता है, मतलब उसका रिस्क फैक्टर क्या है? अब ब्लड प्रेशर जिन लोगों में ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, अगर हम दो ग्रुप ले वे, तो जिन पेशेंट्स में स्मोकिंग की आदत है, अच्छा, जो डायबिटिक है, जो मोटा पेशेंट है, ओके, और लेडीज लोग जो मासिक पाली के बाद की पोस्ट मेनोपॉजल है, और ओपेसिटी, मैंने मोटापा कहा, और जिनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अच्छा, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर का बढ़ने का प्रमाण ज्यादा रहता है कंपेयर टू जिनमें ये चीजें नहीं है। अच्छा। तो अगर आप दो लोग, दो ग्रुप बनाए, तो जिन ग्रुप में ये चीजें नहीं है, सिगरेट, डायबिटीज, मोटापा, लेडीज मोनोपॉज के बाद, यंग लेडीज, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, तो उनमें ब्लड प्रेशर की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। ओके। उनमें प्रमाण कम मिलेगा और इनमें प्रमाण ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर होगा। अच्छा। सर, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? अब जैसे मैंने पहले कहा कि ब्लड प्रेशर के अंदर में खून की नलियां में रुकावट आती है, खून की नलियां पतली होती है, तो खून कम जाएगा। ओके। अब कहां कहां जाएगा, अगर हम ऊपर से देखें, दिमाग से, ब्रेन से, तो ब्रेन की खून की नली पतली हो गई, तो ब्लड नहीं मिलेगा, राइट, तो पैरालिसिस हो जाएगा। ओके। तो एक साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, जिसको हम हेमिप्लेजिया कहते हैं, राइट। अगर ब्रेन की नस फट गई, तो ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाएगी। ओके। तो ब्रेन को वो खून की जो गांठ है, वो उसको ब्रेन के मैटर को दबाएगी, अच्छा, तो पैरालिसिस होगा, तो ये ब्रेन में होगा, राइट। फिर हम आते आंख में, तो आंख की नलियों में भी छोटी छोटी नलियां फट सकती है। ओके। तो आपको ब्लाइंडनेस, आप अंधे हो सकते हो, या आपकी दिखने की जो विजन है वो कम हो जाएगी। अब फिर आएंगे आप यहाँ पर हार्ट पर, तो हार्ट की नलियां पतली हो गई, तो ब्लड सप्लाई, खून कम मिलेगा। ओके। तो आपको छाती का दर्द हो सकता है, जिसे हम अंजाइना कह सकते हैं। अगर नली बंद हो गई तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ओके। अब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो हार्ट की जो मसल है वो मोटी हो जाएगी। ओके। फिर थोड़े समय के बाद में हार्ट को ज्यादा काम करते 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 हार्ट फेल हो जाएगा, तो हार्ट बड़ा हो जाएगा। ओके। और हार्ट बड़ा हो जाएगा तो हार्ट फेल में चला जाएगा। फिर हम आए किडनी पर। ओके। तो किडनी में ब्लड सप्लाई कम होगा, तो किडनी डैमेज हो जाएगी। ओके। किडनी की साइज धीरे धीरे सकुड़ती जाएगी, कम होगी, छोटी होगी, और पेशेंट किडनी के फेलियर में जाएगा। अच्छा। और फिर पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा। ये चीजें है कॉम्प्लिकेशंस अगर आप ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर का सर ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं आप? ब्लड प्रेशर की जो ट्रीटमेंट है वो है दवाइयां। अच्छा। लेकिन दवाई से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी लाइफस्टाइल। ओके। डाइट, भोजन, एक्सरसाइज,
ध्यान मेडिटेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ जी, खाली आप दवाई से काम नहीं चलेगा। ओके आपको अगर थोड़ा ब्लड प्रेशर है तो आप बिना दवाई के भी अपना ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और कोई व्यक्ति कहे कि मैं लाइफस्टाइल से डाइट एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल कर लूंगा तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। दवाई के साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही है। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, डाइट एक्सरसाइज पर ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन पे ध्यान रखते हैं, तो आपको दवाई थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। ओके लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो आप लाइफस्टाइल से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे दवाई नहीं खानी है, मैं लाइफस्टाइल से डाइट से एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लूंगा, तो वो ऐसे हो नहीं सकता है। अच्छा, तो इसलिए डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन और दवाइयां जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ओके अब आपको लाइफस्टाइल में क्या करना है, लाइफस्टाइल में जैसे मैंने कहा रिस्क फैक्टर, आपको सिगरेट बंद करनी है, अपना मोटापा कम करना है। ओके आपको डायबिटीज बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। ओके माताएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है गर्भ प्रतिकार रोकने के लिए जो पिल्स लेती है, दवाइयां लेती है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके तो वो आपको बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, अब रहा डाइट। डाइट में ये देखा गया है, एक डाइट कहते हैं डैश, DASH डैश डाइट। ओके अब इस डाइट से अगर आप शाकाहारी भोजन, फ्रूट्स ज्यादा, वेजिटेबल ज्यादा, और अगर आप होल ग्रेन्स अंकुरित ये जो अनाज लेते हो, मूंग मेथी गेहूं चना, दूध के प्रोडक्ट कम, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट कम, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। अच्छा हाँ जी, अब डाइट में और क्या लेना है, ध्यान देना है आपको, आप कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम लो। ओके और प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा लो, इससे अच्छा। भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। कार्बोहाइड्रेट माना चावल है, रोटी है। चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट में आती है, और जो दाल वगैरह है, नट्स वगैरह जो है, वो प्रोटीन्स में आते हैं। तो आपको प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण कम करना है। अच्छा, स्वस्थ इंसान को भी ये इसी तरह से चले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ता है। अब रहा नमक। ओके तो ये देखा गया है कि नमक कम करने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ओके ये फॉर्मूला दिखाया है कि अगर आप अपने भोजन में, नॉर्मल भोजन में हम लोग 5 ग्राम से 10 ग्राम तक नमक डालते हैं, राइट, तो अगर आप 1 ग्राम नमक कम करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 3 से 4 मिलीमीटर से कम होता है। ओके तो ये नमक जो है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाई से, तो नमक कम करना फायदेमंद है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जब खाना पकाते हैं और उसमें नमक डालते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करता, कच्चा नमक ही नुकसान करता है? नहीं, दोनों नमक नुकसान करेगा। अच्छा, कच्चा हो या नमक हो, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको और नमक कम करना चाहिए। फिर एक बात आती है कि डाइट के अंदर भोजन में आप जिस अनाज में पोटेशियम ज्यादा है ऐसी चीजें खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो आप? पोटेशियम ज्यादा होता है केले में। ओके लेकिन केले से तो वजन ज्यादा बढ़ेगा, तो वो एक ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं, ओके, जैसे मौसम्बी, संतरा, इसके अंदर में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। ओके तो ये पोटेशियम वाला अगर आप चीजें खाएंगे, कुछ सब्जियां है, ग्रीन सब्जियां होती है जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, शराब ज्यादा पीने से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके
कोल्ड ड्रिंक्स, जो मीठी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, ओके, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, फिर हमें क्या ध्यान देना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन एक्सरसाइज हमें कौन सी करनी है, दो प्रकार की एक्सरसाइज होती है, एक कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, एक अन एरोबिक एक्सरसाइज। ओके, एरोबिक एक्सरसाइज माना जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, इसे कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। अन एरोबिक एक्सरसाइज माना जैसे हम जिम्नास्टिक में लोग एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाने का, दंड बैठक मारने का, तो ये एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है। ओके, चलना, तेज चलना, ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए अच्छा है। ओके, एक्सरसाइज से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कम होता है। ओके, तो किसी अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो चलने से उसको मदद मिलती है। पर सर, आपने जैसे पहले भी बताया था कि अगर हम चलते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं या भागते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो फिर वो कैसे हेल्प करेगा? मैंने कहा कि जब आप बहुत ज्यादा चलेंगे, बहुत ज्यादा दौड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अगर आप सिंपल चल रहे हो उसमें उतना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। अच्छा, उस समय बढ़ेगा लेकिन वो टेम्पररी बढ़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, हमें दौड़ना नहीं है। हाइपरटेंशन के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दौड़ना नहीं है, आपको तेज केवल चलना है। ओके, अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस के हार्मोन्स, तनाव के हार्मोन्स कम होते हैं। ओके, हमें रिलैक्स करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं, खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं। इसलिए एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आप एक्सरसाइज करके आप अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हुआ डाइट, एक्सरसाइज और तीसरा है मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का सारा कनेक्शन है हमारे दिमाग से, हमारे मन से। हमारे ब्रेन में जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक टोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो हम हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को जितना शांत रखेंगे ओके, उतना हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अच्छा, मेडिटेशन हमारी सिंपैथेटिक को कम करता है ओके, और पैरासिंपैथेटिक को बढ़ाता है। ओके, पैरासिंपैथेटिक जो है उससे हमारी वेलबींग होती है, हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, कम होता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और लास्ट बात है नींद। अच्छा, अगर आपकी नींद बराबर नहीं है, अगर आपकी डिस्टर्ब नींद है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए साउंड स्लीप, बिल्कुल बढ़िया नींद, अनडिस्टर्ब नींद होना बहुत जरूरी है। राइट, और लास्ट में एक बात कहूँगा कि बहुत बार पेशेंट ऐसे हमसे कहते हैं कि मेरे पास डॉक्टर साहब गोली नहीं थी, तो मेरे मदर की गोली थी तो मैंने मदर की गोली खा ली। अच्छा, और यही चीज डायबिटीज में भी लोग करते हैं, गोली नहीं रहती है तो दूसरे पेशेंट की गोली खा लेते हैं। अच्छा, तो एक सजेस्ट कहूँगा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने और डायबिटीज के पेशेंट ने कभी भी दूसरे की गोली ना खावे। अच्छा, क्योंकि उस गोली का कितना असर होगा ये डॉक्टर ही जानता है। राइट, पेशेंट को नहीं पता। अच्छा, पेशेंट मात्रा से कंपेयर करता है। ओके, अगर ये मैंने गोली कोई प्रिस्क्राइब की 5 मिलीग्राम की तो वो दूसरी गोली भी 5 मिलीग्राम की होगी, तो उसके उसे लगता है कि दोनों गोली का मात्रा सेम है। दोनों गोली की मात्रा पावर इक्वल नहीं रहती है, समान नहीं रहती है। एक गोली 5 मिलीग्राम की कम पावर की हो सकती है, दूसरी गोली 1 मिलीग्राम की, 1 मिलीग्राम की उससे ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अच्छा, इसलिए कोई पेशेंट किसी दूसरे पेशेंट की गोली न खावे। अच्छा, ये तीसरी बात, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है
जो हम दवाई से संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ये मेरी किसी भी कारण से ठीक नहीं होगी, अपने आप ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं दवाई लेकर अपने आप को नॉर्मल बना सकता हूँ। Okay. लेकिन मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा। ये दिमाग में ना रखे कि मैं दवाई ले लूं तो मुझे लाइफ लाइन लेनी पड़ेगी। लेनी तो पड़ेगी, लेकिन लेकर आप अपने आप को नॉर्मल बना सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सर, नॉर्मल इंसान को अगर ब्लड प्रेशर के बारे में मतलब अवेयर रहना है तो क्या हर 6 महीने पे उसको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए क्या? ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए? 6 महीने में जरूरत नहीं है। अच्छा। हम यूजुअली कहते हैं कि साल में एक बार आप मेडिकल चेकअप करा लो तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर मालूम पड़ जाता है। ग्रेट। अगर कोई यंग आदमी है तो वो 5 साल में एक बार मेडिकल चेकअप करा सकता है। ओके। अगर कोई बूढ़ा है जैसे 45-50 के बाद है तो हर साल एक बार मेडिकल चेकअप करा ले। ओके। तो उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाती है। अच्छा सर, ये ब्लड प्रेशर जो है उसका जो आपने इलाज बताया वो तो हमारी समझ में आ गया, पर उसका कोई सर्जरी होता है क्या? ब्लड प्रेशर के अंदर सर्जरी जो होती है, एक तो मैंने कहा कि 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक प्राइमरी जिसमें कोई कारण नहीं होता, ओके, और दूसरा सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जिसमें कारण होता है। ओके। तो हमें वो कारण ढूंढना पड़ता है। अच्छा। किडनी का ट्यूमर है क्या? खून की नलियों में रुकावट है क्या? जैसे मैंने कहा कि खून की जो बड़ा पाइपलाइन है उसमें रुकावट है क्या, उसका ऑपरेशन हमें करना पड़ेगा। अच्छा। अब एक और होती है जहां पर किडनी की खून की नलियां जो है, खून की किडनी को सप्लाई करने वाली खून की नली, उसमें होता है नसें। ओके। जिसको हम बोलते हैं रीनल नो। ओके। तो कभी कभी उस रीनल नो से वजह से भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। तो उसको भी हम कैथेटर से, पांव में से कैथेटर डालकर उस नो को हम जलाते हैं। अच्छा। इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी डीनर्वेशन, रीनल आर्टरी डीनर्वेशन, उस नर्व को जलाते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर होती है जो कैथेटर से, जैसे हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं उसी तरह से उसको जलाते हैं। तो वो एक सर्जिकल ऑप्शन होता है, बिना सर्जरी किए। अच्छा। काट छाट नहीं होती है। और दूसरा, जो किडनी की जो आर्टरी होती है ब्लड सप्लाई करने वाली, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, तो किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, तो उस आर्टरी की भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। ओके। उसको भी हम बलून से खोलते हैं और वहां पर एक स्प्रिंग डालते हैं। अच्छा। तो उसको कहते हैं रीनल आर्टरी एंजियोप्लास्टी। तो ये कुछ प्रोसीजर हम करते हैं और ऑपरेशन करते हैं काट के, अगर हमें कुछ ट्यूमर मिला किडनी का। अच्छा। या ऑर्टा का कुछ नैरोइंग मिला तो वहां पर हम सर्जरी करते हैं। ओके। सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया और हमें पता चला आज कि अगर ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट सही समय पे ना किया जाए और उसको नज़रअंदाज किया जाए तो हमारे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें इतना अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देखा ना कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और अगर आप दवाई नहीं लेते हो और उसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह से डैमेज हो सकते हैं और हार्ट अटैक भी आ सकता है, इंसान अपनी जान खो सकता है। इससे बेटर है कि हम अपना जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए अवेयर रहे। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हम दवाई लेना शुरू करें। साथ में इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, उसके साथ खान पान का भी ध्यान रखें और इस तरह से स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी जाकर वापस फिर आने के लिए। थैंक यू सो मच।